अच्छे होंगे। एंड अभी क्या है कि यार आप जानते हो कि ये कोविड पीरियड जो चल रहा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हमें 10 मिनट्स पे हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और फिर जब घर से बाहर निकले तो मेन थिंग मास्क ज़रूरी है। असल में क्या है कि आज है रमज़ान का 20वां रोज़ा, तो मैंने सोचा यार कुछ दिन से कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताता हूँ रमज़ान में, सो ये मैं आपको बताऊँगा। ये जो चार्ट देख रहे हो आप, ये लाया था 2008 में पापा ने, इसकी हालत बिगड़ चुकी थी। 2016 में इसको वापस रिन्यू किया मैंने, मतलब इसके पीछे चार्ट पेपर लगा के इसे टेप वेप करके वगैरह इसको रिन्यू किया। चीज़ें जो ऐसी होती ना हम फेंक नहीं सकते, मतलब उसको रिन्यू कर देते हैं, ये अच्छा भी है हमारे लिए। और आपको मैं बता दूं कि यार रमज़ान में जो टाइमिंग होता है शहरी का, इस समय शहरी का टाइम कुछ देर बाद एंड होने वाला है, तो असल में ये जो मेरे पास चार्ट देखे आप, ये मेरे पापा ने लाया था 2008 में, इसमें आप दिखाता हूँ टाइमिंग। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये पापा ने सिलचर से लाया था 2008 में, और आज का टाइम है, आज 4 तारीख है, तो 3:16। ये है लच्छा जिसे हम सूतफेनी बोलते हैं, ये शहरी में खाया जाता है, देख रहे हो कितना कमाल का। और ये मैं चला खाने, मैं बता दूँ कि अभी टाइम कितने बजे, लेट्स सी कितने बजे टाइम। सो ये 3 बजने ही वाले हैं। ओके तो आप सुन सकते हो बादल कितना गरज रहा है, और फजर का टाइम होने वाला है नमाज का, ये आप देख सकते हो। ये रात के 3:05 हो रहे हैं, और यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई है, मतलब यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, ये मेघालय भाई, कब बारिश हो जाए कब धूप हो जाए। सो गाइस आप देख सकते हो बादल गरजने की आवाज़ तो सुनी होगी, बट ये अभी बारिश रात के 3:10 बारिश हो रही है। मिलता हूँ नमाज के बाद। गुड मॉर्निंग गैलरियंस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुमस्ट्रॉन्ग मेघालय। एक्चुअली जो फजर के बाद जो मैंने आपको बोला था कि आपको मिलता हूँ, उसके बाद ऐसी खतरनाक वाली नींद आई ना कि मतलब डायरेक्ट सो गया और अब भी उठ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहे हैं 11:20 AM। मोस्टली क्या रहता है कि जब मैं फजर के बाद सोता हूँ उसमें क्या है कि मैं मोस्टली 11 के बाद ही उठता हूँ, क्योंकि इतनी खतरनाक वाली नींद आती है, उसमें कुछ बोला नहीं जाता, बस सो जाते हैं। चला नहाने, क्योंकि स्पेशली रमज़ान में बहुत ज़रूरी पाक साफ रहना, मतलब पूरे बॉडी को पाक रखना। असल में हुआ क्या कि मैं रेडी तो हो चुका था नहा के, 12 बजे तक नहा लिया, उसके बाद हुआ क्या कि मैं पापा का वेट कर रहा था, पापा ए शिफ्ट गए हुए थे, जब वो आते हैं तब हम जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं साथ में मिलके, पढ़ के बस आपके पास आया हूँ। और जिस तरह से कल रात में जो बारिश हो रही थी उस तरीके से अभी क्या है कि पूरा सुबह से लेके अभी बज रहे हैं 2:30 बजे तक, मतलब ऐसे ही मौसम थोड़ा अजीब सा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि धूप आएगा कि नहीं आएगा, पूरा धुंधला सा छाया हुआ है। सो अभी क्या है कि मैं आपको थोड़ा बाहर का मौसम दिखाऊंगा कैसा है, और बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, तो चलते हैं। अम्मी जान नमाज पढ़ रही है, विदाउट मास्क अगर निकले तो 500 फाइन। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ का मेरे घर के बाहर, जो आप मौसम देख रहे हो मतलब पूरी घटा छाई हुई है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर के जस्ट पीछे ही हमने अपना खेत बनाया है, मतलब टेम्परेरी और नॉट उतना भी वैसा नहीं, ये थोड़ा खेत इस तरीके का है। तो असल में इस एरिया में क्या है कि पालक वगैरह और मिर्ची वगैरह हैं, इस एरिया में है भिंडी करेला और एक चीज़ है पता नहीं पापा ने लगाया, और ये जो है गुलाब का फूल इतना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। और फाइनली ये जो आप देख रहे हो ये मकई, ये हमने मकई लगाया है पूरा खेत। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये पापा का थोड़ा शौक है फ्लावर्स वगैरह लगाने का, से पापा ने फ्लावर्स वगैरह लगा रखा है यहाँ पे। ये देखिए इतना खूबसूरत ना प्यारा रोज, और असल में क्या है कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त करण के घर,
उसका फ़ोन आया था और वैसे भी हम एक हफ्ता हो गया हम नहीं मिले। उसे फ़ोन करके बोला तू भूल गया क्या, मैंने बोला नहीं नहीं भूला तो नहीं। सो उसका घर इधर से पहुँचा, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको इस तरह से वो आ रहा था, तो अभी मैं जा रहा हूँ उसके घर। लेट्स गो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, ये है मेरा क्लासमेट विवेक। ये हाय टू द कैमरा मैन। मेरे जो दोस्त का घर है वो यहाँ से मेरे घर से मतलब पीछे से बहुत से ज्यादा नहीं 500 मीटर इतना ही है। चढ़ने में जो मतलब वाट लगती है भाई क्या ही बोले, बस चढ़ानी चढ़ाने ऊपर। देख सकते हो नीचे कितना चढ़ान था, इतना कवर करके मैं आ चुका हूँ। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो जंगल ही जंगल है, मतलब पहाड़ों के बीच में है फैक्ट्री। ये पीछे देख सकते हो आप, बड़ा ही कमाल का लगता है एक तरह से। यहाँ पे क्या है वेदर एकदम ठंडा ही रहता है, और अपने यूपी बिहार में तो बाप रे इस समय सबकी मतलब लगी पड़ी हुई है, मतलब इतनी गर्मी चल रही लू चल रही। यहाँ पे ऊपर वाले का सब कुछ है, मतलब हम ठीक ठाक रोजा गुजार पाते। और जो मतलब नेचुरल ब्यूटी और क्या है कि इतना क्लियर जो ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे, चारों तरफ जंगल है और जंगल से मतलब हवा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है यार यहाँ पे। मतलब क्या है कि अब मेरा ही 12 साल हो चुका है यहाँ पे, मैं क्लास 1 से क्लास 12 पढ़ा, बहुत सारी मेमोरीज रहेंगी मेरे साथ, बस मिस करूँगा उसको लाइफ में। बैक जब मुड़ के देखूंगा अरे क्या से क्या थे हम लोग और कहाँ आ गए। असल में अभी क्या है ना कि मैं अभी जाने वाला था उसके घर, बट वो क्या है कि आधे रास्ते आ चुका था, उसका घर ऊपर है बट आधे रास्ते आ चुका था। मैंने बोला कि भाई तू जा पैंट पहन क्या, क्योंकि वो हाफ पैंट में आ रहा था। मैंने बोला भाई फुल पैंट में आ रहा था, मतलब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो गया है वापस, फिर आएगा तब जाऊँगा। और ये अभी बादल वगैरह आप देख रहे हो, बारिश का मौसम बन रहा है, मतलब क्या ही बोलेंगे। ये मेघालय भैया कभी मौसम बदल जाता है। गाइस आप सुन सकते हो आवाज़ हवा की, मतलब कुछ तूफान होने वाला है यहाँ पर, इतनी तेज की हवा चल रही है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया, ये पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कि जब भी ऐसी हवा चलती है मेरे को थोड़ा डर लगता है यार कहीं कुछ तूफानी ना हो जाए। और ये रहा, काफी देर के बाद आया है। ओ भाई इधर देखिए, हेलो हेलो मिस्टर करण, हेलो मिस्टर करण, बहुत जल्दी आ गए आप हैं, बड़े खुश लग रहे बंदे। अरे मुंह दिखाइए जरा, इतना वेट के बाद ही आया है, समझ रहे हो समझ रहे हो, कर क्या रहे थे घर पे। अच्छा तू आधा घंटा बोल के, हां अच्छा चल चल ठीक है चलते। देखो वो सब बात छोड़, इसको सब्सक्राइब कर दो, ये बहुत लेट लग रहा है। बस हो गया, पब्लिक रिव्यू मिल गया मेरे को। ये लेट लग गई है, अभी क्या करने का है, बंद कर बंद कर। सुना सो ऑलराइट गाइस, बात तो हो चुकी है, एक हफ्ते से मैं उससे मिला नहीं था, दोस्त से मिल के वापस जा रहा हूँ घर। पापा बुला रहे, असर की नमाज होने वाली है। सो मतलब क्या ही बोलूं, आज का वेदर ही एकदम खत्म है, देख सकते हो चारों ओर काली घटा। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। असल में क्या है कि अभी बज रहे 5:40 शाम, टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है इफ्तार का कंपेयर करें तो अपने यूपी बिहार साइड की, क्योंकि यूपी बिहार में क्या है कि 7 बजे इफ्तार होता है और अपने यहाँ मेघालय में 5:52। ऐसा क्या है कि यार आज शुरुआत जो होनी चाहिए थी इंट्रो से वो हुआ नहीं,
हेलो सर, नमस्ते, मैं हूं आपका अजीम एवलॉन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर ऑल कैलेरियंस। अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, सो पहले चलते हैं, देखते हैं किचन में क्या बना है और क्या है हमारे लिए। हमें क्या बना रही, क्या क्या इधर पकौड़ी है और आलू टिक्की है, बैगनी है, बढ़िया चना है, चना ये और चना अंदर में इधर ये फल फ्रूट्स और फल फ्रूट है। चलो बढ़िया। एक्चुअली क्या कि असर की नमाज के बाद पापा मतलब हदीस पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, हम सुनते हैं। और के बाद बस रोजे का टाइम हो ही गया था, मतलब उस समय मैं दिखा नहीं पाया। अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन। और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था हमारा फर्स्ट गेट और सेकेंड गेट में, क्या है ना कि अभी जो फर्स्ट गेट है उसके बाहर हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि यार जो कोविड जो बढ़ रहा है ना उसके चलते कोई भी अंदर नहीं आ सकता ना कोई बाहर जा सकता है, कुछ सामान लेना है। तो ये जो आप देख सकते हो ये है हमारा सेकंड गेट एंड इसके बाद जो पड़ता है वो होता है फर्स्ट गेट। तो फर्स्ट गेट और सेकंड गेट के बीच में एक कैंटीन पड़ती है, तो ये कैंटीन ही जा रहा हूँ मैं। यहाँ से हमारा स्कूल साइड में राइट। आज का दिन मतलब क्या है यही बोलूँ मैं, मैक्सिमम मतलब आज बारिश ही हुआ है एक तरह से। कल रात में आपको जो मैंने दिखाया था वो बारिश ही एक तरह से शुरू हुई थी उस समय। दिन भर बारिश और काली घटा, धूप का नामो निशान नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं यार, मजा है ये जगह ना, थोड़ा कूल लग रहा है मेरे को। जो वेदर है आज का बहुत ज्यादा कूल है, ठंड भी है थोड़ी बहुत। और ये बस हम कैंटीन पहुंच ही गए, बस अंदर जाके सामान लेना है और वापस आना है। इतनी दूर 300 मीटर चल के आने के बाद मुझे किस चीज के लिए आना पड़ रहा है, ये एयर क्लीनिंग बर्ड्स। सोच सकते हो मतलब छोटी छोटी चीज ले आना पड़ता है यार, मतलब से ऑलराइट एवरीबॉडी। सो क्या है कि रात के 8:30 बज रहे हैं इस समय, क्या है कि अभी रात का टाइम ईशा का हो जाता है, ईशा के बाद हमारी तरावी स्टार्ट होती है, वो लगभग 1 या 1.5 घंटे की होती है, जस्ट इतनी। ये फुल रूटीन था मतलब पूरे दिन का। सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो गो फॉर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, बूम।